पहला मीनिंग है हमारा रिपीटेंस। रिपीटेंस यानी क्या होता है? रिपेंट यानी पश्चाताप करना। रिपेंट यानी क्या होता है? पश्चाताप। रिपेंट से बना है। रिपीटेंस यानी क्या होता है? पश्चाताप करना। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी होती है खुशी। जॉय यानी होता है आनंद। सेलिब्रेशन यानी होता है सेलिब्रेट करना, मनाना। और रिग्रेट यानी होता है पश्चाताप करना। तो रिपीटेंस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? पश्चाताप करना। अगला है मौन। मौन का मतलब होता है किसी से निराश होना, किसी से खिन्न हो जाना। ठीक है। टॉक यानी बातचीत करना। कंप्लेन यानी किसी से शिकायत करना। मौन करना, मौन यानी भी क्या होता है? किसी से खिन्न हो जाना। आप किसी से खिन्न कब हो जाओगे? जब आपको किसी से शिकायत होगी। तो कंप्लेन यानी क्या होता है? शिकायत करना। विस्पर यानी होता है फुसफुसाना। फुसफुसा के बातें करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं विस्पर। अगला होता है डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है बातचीत करना। नेक्स्ट देखना इंस्टिल्ड। इंस्टिल्ड का मतलब होता है बूंद बूंद कर कर गिराना। जैसे इंजेक्शन, इंजेक्शन भी क्या उसे होता है? बूंद बूंद करके गिरता है। ठीक है। तो इंजेक्टेड इसका सिनोनिम हो जाएगा। इमिटेट, इमिटेट यानी होता है उत्सर्जन करना। इमिटेट जैसे रेडियम रहता है ना, उससे लाइट पूरे टाइम क्या होती रहती है? उत्सर्जित होती रहती है रेडियो एक्टिव पदार्थों से, तो इमिट करते हैं। ड्रेन, ड्रेन यानी होता है सुखा देना। ठीक है। ड्रेन यानी होता है खाली कर देना। डिनाई, डिनाई यानी होता है इनकार करना। नोमेडिक, नोमेडिक यानी होता है घुमंतू या आवारा। ठीक है। आवारों की तरह जो घूमते रहते हैं। नेमलेस, जिनका कोई नाम ना हो। नेमलेस यानी क्या होता है? जिनका कोई नाम ना हो। एग्रीकल्चरर यानी कृषि से संबंधित। रोमिंग, रोमिंग यानी भी होता है भटकने वाले, आवारा। ठीक है। और नेचुरल यानी होता है प्राकृतिक। नेक्स्ट पियर्ड। पियर्ड का मतलब होता है देखना, झांक कर देखना, सावधानी से देखना। रोल्ड यानी घुमा देना। रोल्ड यानी क्या होता है? रोल कर देना, घुमा देना। लुक्ड यानी देखना। फॉल, फेल, फॉलन। फेल यानी होता है गिरना। और वॉक यानी होता है चलना। नेक्स्ट देखना हम ड्रम। हम ड्रम यानी होता है बोरिंग काम करना, उबाऊ काम करना, उबाऊ चीज़ कोई भी। तो बोरिंग। एक्साइटिंग यानी उत्तेजित। एक्साइटिंग यानी क्या होता है? रुचिकर कर देना किसी चीज़ को, उत्तेजित कर देना। एग्जैक्ट यानी होता है करेक्ट, सटीक। एग्जैक्ट यानी क्या होता है? सटीक। फैसिनेटिंग यानी भाव विभोर कर देना। फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है? भाव विभोर कर देना। नेक्स्ट देखना इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है जिसके बिना काम ना चल सके, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, अति आवश्यक। नॉन एसेंशियल यानी अनावश्यक। एसेंशियल यानी होता है अति आवश्यक। अनइम्पॉर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण नहीं है। और इंटर रिलेटेड यानी एक दूसरे से रिलेट करना, एक दूसरे से संबंध बनाता हुआ। ठीक है। इंटर रिलेटेड। नेक्स्ट देखना ट्रीवियल। ट्रीवियल यानी होता है तुच्छ। ट्रीवियल यानी क्या होता है? छोटा, तुच्छ। इमेंस यानी होता है बड़ा। इमेंस यानी क्या होता है? बड़ा। ह्यूज यानी भी क्या होता है? बड़ा। क्रिटिकल यानी होता है कठिन, क्रूशियल, जैसे क्रिटिकल सिचुएशन। ठीक है। क्रूशियल। स्मॉल यानी होता है छोटा। अगला देखना अब अकर। हाँ, इसमें अकर का मीनिंग बताना है। अकर का मतलब होता है घटित होना। हैपन, हैपन यानी भी क्या होता है? घटित होना। परसिस्ट यानी डटे रहना। परसिस्ट यानी क्या होता है? डटे रहना। जेन्युइन यानी क्या होता है? रियल। और बीफॉल यानी किसी में गिर जाना। बीफॉल यानी गिर जाना। अगला देखना फिनोमिली। फिनोमिनली, फिनोमिनल। फिनोमिनल यानी होता है हटकर, सबसे हटकर। ठीक है। फिनोमिनल यानी क्या होता है? हटकर। फेवरेबली यानी क्या होता है? आपके पक्ष में। फेवरेबली यानी आपके जो पक्ष में हो। एक्सेप्शनली यानी भी होता है हटकर, किसी आम चीज़ से हटकर। एक्सेप्शनली। एक्सपेक्टेंटली यानी क्या होता है? उम्मीदित, जो हम उम्मीद करते हैं वैसा ही, बिल्कुल। ठीक है। एक्सपेक्टेंटली, एक्सपेक्टेंटली यानी जैसे हम, जो हम उम्मीद करते हैं। और यूजुअल यानी साधारण। यूजुअल यानी होता है साधारण। अगला देखना ऑबियस। ऑबियस यानी होता है साफ, साफ साफ दिखाई देना। ऑबियस है, जैसे यह बात क्लियर है, ऑबियस है। अननोन यानी जिसको कोई जानता ना हो। अपेरेंट यानी क्या होता है? साफ। तो इसका ऑबियस का सिनोनिम हो जाएगा अपेरेंट। अनश्योर यानी जिसके बारे में आप श्योर ना हो। और ऑब्सोलेट यानी होता है जो अब प्रचलित में नहीं है। ठीक है। जो अब प्रचलन में नहीं है, पुराना हो गया, पुराना जमाना। ऑब्सोलेट का अपोजिट हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट देखना, अब इसमें समझ में तो आया नहीं है कि क्या बताना चाह रहा है। ठीक है। किसका सिनोनिम पूछना चाह रहा है, ना अंडरलाइन किया इसमें किसी को। सूट। सूट यानी क्या होता है? एक तो जो सूट करता है आपके ऊपर, और एक वो सूट आप पहनते हो। दोनों सूट होते हैं। ठीक है। एक तो जैसे ये चीज़ आप पर, ये कोट आप पर सूट नहीं करता, और एक सूट पेंट वाला सूट होता है। ठीक है।
आउटफिट यानी कपड़े, आउटफिट यानी क्या होते हैं, कपड़े होते हैं। टूल्स यानी इक्विपमेंट, जो ये लिखा हुआ है, इक्विपमेंट यानी होता है टूल्स, और स्टफ यानी होता है कार्य, ठीक है, अ लॉट ऑफ स्टफ, बहुत सारा काम जो आपको रहता है उसको बोलते हैं स्टफ। अगला देखना, टेक अ शॉट, टेक अ शॉट का मतलब होता है प्रयास करना, टेक अ शॉट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना। तो मेक एन अटेम्प्ट, मेक एन अटेम्प्ट का मतलब भी क्या होता है, प्रयास करना। डिमांड यानी डिमांड करना, आस्क यानी मांग करना, पूछना, आस्क यानी क्या होता है, पूछना, गिव यानी देना। नेक्स्ट देखना, इन टू शेक्स, इन टू शेक्स, इन टू शेक्स ये ईडियम आ गया, इन टू शेक्स का मतलब होता है बहुत जल्दी, तुरंत, इमीजिएटली, तुरंत, वेरी क्विकली, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वेरी क्विकली, इन टू शेक्स का, विथ ग्रेट डिफिकल्टी यानी बहुत कठिनाई के साथ, वेरी एंथुसियास्टिकली यानी कि होता है बहुत एनर्जी के साथ, वेरी एंडी यानी आसानी से। ओके okay.